हेलो एवरीवन, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का पार्ट फोर। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है एम सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी है टी एस ऑलकोट। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, टी एस ऑलकोट। टी एस ऑलकोट का संबंध किससे था? थियोसोफिकल सोसाइटी से। और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और एम सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े थे। नेक्स्ट आते हैं, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा, ऑप्शन डी है 1938 में नागपुर का संयुक्त EITUC और NFTU सभा। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1919 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1921 में, ऑप्शन डी है 1896 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1917 में। नेक्स्ट आते हैं, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी है आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, ऑप्शन सी है हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ऑप्शन डी है इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी है पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अच्छा, जो बंगाल विभाजन हुआ था ये लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट आते हैं, नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी है महादेव देसाई, ऑप्शन सी है प्यारे लाल, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्यारे लाल। नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्यारे लाल। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, ऑप्शन सी है गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, ऑप्शन डी है बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट आते हैं,
निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी है खेड़ा, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंपारण। कब हुआ था, कौन से ईयर में? 1917 में। नेक्स्ट आते हैं, चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? आपसे सिंपली पूछ रहा है कि नील दर्पण की रचना किसने की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बारिंद्र घोष, ऑप्शन डी है दीन बंधु मित्र, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दीन बंधु मित्र ने। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की थी? तो आंसर क्या होगा? दीन बंधु मित्र ने। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी है वाइकोम सत्याग्रह, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाइकोम सत्याग्रह में। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाइकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट आते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेवरेंट थॉमस मूर, ऑप्शन बी है एओ ह्यूम, ऑप्शन सी है रेवरेंट चार्ली एंड्रूज, ऑप्शन डी है विलियम बावेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चार्ली एंड्रूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट आते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है? आपके पास ऑप्शन है, अल्पसंख्यकों का विकास, ऑप्शन बी है दलितों की उन्नति, ऑप्शन सी है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, ऑप्शन डी है गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? आपके पास ऑप्शन है, कृषक वर्ग, ऑप्शन बी है औद्योगिक कर्मी, ऑप्शन सी है जनता, ऑप्शन डी है मजदूर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, औद्योगिक कर्मी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक EICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? आपके पास ऑप्शन है, जी डी बिरला, ऑप्शन बी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी है GRD टाटा, ऑप्शन डी है बालचंद हीराचंद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जमनालाल बजाज। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इनको एक चीज़ और याद रखो यहाँ से, इनको राय बहादुर की पदवी भी मिली थी जिसका उन्होंने वर्ष 1921 में त्याग दिया था। किसे? जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? आपके पास ऑप्शन है, इजारेदारी, ऑप्शन बी है तीनकठिया, ऑप्शन सी है जैन मिस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तिनकठिया। अच्छा, तिनकठिया क्या था कि क्या हुआ था कि जो बागान मालिक थे, अंग्रेज जो थे, इन्होंने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसे ही बोलते हैं तिनकठिया पद्धति। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/10 भाग, ऑप्शन बी है 1/3 भाग, ऑप्शन सी है 3/20 भाग, ऑप्शन डी है 3/25 भाग, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो अभी बताया था मैंने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3/20 भाग। नेक्स्ट आते हैं, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है जेपी कृपलानी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन सी है एनएन रंगा, ऑप्शन डी है पीसी जोशी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा स्वामी सहजानंद ने। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सन 1920 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी है 1929 में, ऑप्शन डी है 1935 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे? तो दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे, दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को, इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और प्रथम महासचिव कौन थे? दीवान चमनलाल। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीवान चमनलाल, ऑप्शन बी आचार्य एनजी रंगा, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो अभी मैंने बताया था सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लाला लाजपत राय। अगर अध्यक्ष की जगह पे क्या होता, महासचिव होता, फिर आंसर क्या होता, दीवान चमनलाल। नेक्स्ट आते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी है मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी है एस ए डांगे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन रॉय, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 से, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 से, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैदिक स्वतंत्रता को सीमित करना, पर्सनल फ्रीडम को, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ऑप्शन डी है देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वैदिक स्वतंत्रता को, पर्सनल फ्रीडम को सीमित करना। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा रॉलेट एक्ट कौन से ईयर में आया था, 1919 में। नेक्स्ट आते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है स्वदेशी सत्याग्रह, ऑप्शन बी है रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी है बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी है वैयक्तिक सत्याग्रह, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। अच्छा कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट आते हैं, रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सन 1909 में, ऑप्शन बी है सन 1919 में, ऑप्शन सी है सन 1930 में, ऑप्शन डी है सन 1942 में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सन 1919 में। नेक्स्ट आते हैं, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांधी जी और लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन बी है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, ऑप्शन सी है बैसाखी की प्रार्थना के लिए, ऑप्शन डी है पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, ऑप्शन बी है भगत सिंह को फांसी दिया जाना, ऑप्शन सी है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी है चौरी चौरा की घटना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट आते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसने मारा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मदन लाल ढिंगरा, ऑप्शन बी है एम पी टी आचार्य, ऑप्शन डी है वीडी सावरकर, ऑप्शन डी है उद्धम सिंह, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उद्धम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उद्धम सिंह ने। नेक्स्ट आते हैं, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1 जून 1918 को, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1920, ऑप्शन डी है 6 जुलाई 1921। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह आज़ाद ने, ऑप्शन बी है सरदार किशन सिंह, ऑप्शन सी है उधम सिंह, ऑप्शन डी है सोहन सिंह जोश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उधम सिंह ने। नेक्स्ट आते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अली बंधु, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है खान अब्दुल गफ्फार खां। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट आते हैं,
1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है कराची। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इलाहाबाद में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी की याद आ गई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है गुजरात, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताइए। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, ऑप्शन बी है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, ऑप्शन सी है खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, ऑप्शन डी है खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? आपके पास ऑप्शन है 1918 में, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी है 1920 में, ऑप्शन डी है 1921 में। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1920 में, 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आपके पास ऑप्शन है छपरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छपरा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छपरा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? आपके पास ऑप्शन ए चौड़ा, ऑप्शन बी है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी है नागपुर सत्याग्रह, ऑप्शन डी है राजकोट सत्याग्रह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चौरी चौड़ा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चौरी चौड़ा। अच्छा, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? आपके पास ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है ब्रज किशोर, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण ने। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, आपके पास ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की थी, ऑप्शन बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन की, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन की। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खिलाफत आंदोलन की। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की थी। नेक्स्ट आते हैं 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे, वह एक निपुण राजनीतिज्ञ थे। ऑप्शन सी है गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन डी है अंग्रेजी जानते थे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नेक्स्ट आते हैं साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार उड़ीसा, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मद्रास। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिहार उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिहार उड़ीसा। अच्छा इनके बारे में एक और चीज़ जान लो, ये पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसे, लॉर्ड सिन्हा को, इनका पूरा नाम था लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। नेक्स्ट आते हैं एक मिनट 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, ऑप्शन बी है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन सी है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ऑप्शन डी है भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। एक्चुअली ये चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन क्या था कि जो उग्रवादी दल के थे, मतलब गर्म दल के जो नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को रोका जाए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट आते हैं स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है रॉलेट बिल सत्याग्रह, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। और इसका गठन कब हुआ था स्वराज दल की, तो 1923 में, और किसने की थी 1923 में, किसने की थी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्ष कौन थे, तो सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट आते हैं 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है एसएन बनर्जी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है हकीम अजमल खान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। नेक्स्ट आते हैं अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट आते हैं, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1939 में, ऑप्शन डी है 1942 में। तो देखो साइमन कमीशन गठित हुआ था 1927 में, लेकिन भारत पहली बार कब आया? 1928 में। सही आंसर क्या होगा? 1928 में। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछते तो 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था। नेक्स्ट आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, और विषय बता रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था जिसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, आपसे पूछ रहा है कौन से ईयर में किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी है 1929 में, ऑप्शन सी है 1939 में, ऑप्शन डी है 1942 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1929 में। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, आपसे पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में किस नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था? तो आंसर क्या होगा? रावी नदी के तट पर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको करंट अफेयर का क्विज लगाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।